वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जो कि क्लास 8th में भी आपने पढ़ा था, इसको फिर से एक बार सीखना है। और यही क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ फैक्टराइज करना है आपको। तो चलिए, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है ये हम लोग सीख लेते हैं। तो इसके लिए कुछ अलग से क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। आप देखिए, इनसे समझना आसान होगा, इसलिए यहाँ पर लिए गए हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का अगर कोई भी पॉलीनोमियल दिखाई देता है और फैक्टराइज करने के लिए बोला जाता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर क्या है। यहाँ पर आपको 45 दिख रहा है और ये प्लस 45 है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशेंट है या नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 45 ये जो नंबर है इसको साइड में लिखना है, और इस 45 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करके 14 आ जाए। ऐड ही क्यों करना है? दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ऐड करके यहाँ पर आता है नंबर, या फिर सब्ट्रैक्ट करके आता है। अगर यहाँ पर आपको प्लस मिल रहा है तो आप यहाँ पर ऐड करके इसको स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस करके इसको सब स्प्लिट करते हैं। तो 45 के फैक्टर्स, अब ये काम आप ओरल भी कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा एक तरीका है, जैसे कि आप यहाँ से देखिए 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 वन्स 3 और ये 3 3, इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और आपको देखिए 3 नंबर्स मिल रहे हैं, 3 3 और 5। इनमें से अगर इन दो का एक ग्रुप बना लें तो 3 इंटू 3 9, और एक ये 5, 9 इंटू 5, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 45 आता है, मतलब 9 और 5 इसके फैक्टर्स हैं, और 9 और 5 को अगर हम ऐड करें तो 14 मिलता है। तो यही वो दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को चाहिए थे, 9 और 5। तो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे, इस 14 को सिर्फ लिखेंगे 9 प्लस 5, या 5 प्लस 9, और ये x एज इट इज़, और ये प्लस 45। इस तरह से मिडिल टर्म जो होता है ना, ये स्प्लिट हो जाता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 9x प्लस 5x प्लस 45। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमको x प्लस 9 मिलेगा, और इन दोनों टर्म्स में से प्लस 5 देखिए कॉमन है, 5 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x, और इसको 5 से डिवाइड करने पर 5 9 ज़र 45। इस तरह से आपको ये दो टर्म्स मिल जाएंगे। टर्म एक्चुअली यहाँ पर एल्जेब्रा में बोलते हैं जहाँ से प्लस और माइनस सेपरेट कर रहा हो। आप कहेंगे कि यहाँ पर भी प्लस है, तो ये नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा और ये पूरा, इनको अलग मानिए, ठीक है। ये इतना एक टर्म, ये इतना एक टर्म, ऐसा मान के चलते हैं। अब देखिए, x प्लस 9 यहाँ पर भी है, x प्लस 9 यहाँ पर भी। अब इन दोनों में से बाहर हम लोग x प्लस 9 कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 9 जब आप कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पर x मिलेगा और यहाँ से प्लस 5 मिलेगा। तो इस तरह से ये मिडिल टर्म स्प्लिट होकर और इसके फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में लाना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाना। अगर आपको कोई डाउट है कि ये आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करना आप सभी लोग शायद जानते होंगे, आप चेक करने के लिए इधर साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 एक बार मल्टीप्लाई करिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 फाइव एक्स, 9 इंटू एक्स 9x, और ये 9 5 ज़र 45, और ये देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 5x प्लस 9x 14x, और ये 45। तो ये देखिए वही आया है जो ऊपर यहाँ पर गिवन था। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने सही फैक्टराइज किया है, यहाँ पर हमको पता चलता है। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, शायद आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी आप 5 क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ध्यान दिया है यहाँ पर प्लस 45 था। अब यही बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे जिसमें यहाँ पर अगर माइनस होता तो क्या करते। तो देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा पॉलीनोमियल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। अगर ऐसा है तो क्या करना है आपको? -45 है यहाँ पर, -45, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 45 था पिछले क्वेश्चन में, इस पर -45 है,
तो 45 के फैक्टर्स तो वैसे ही होंगे, जैसे देखिए आपने यहाँ पर फैक्टर्स किए थे, 3, 3 और 5 मिला था, बट इस बार आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा और बीच का नंबर लाना होगा। अब आप देख रहे हैं 9 और 5 अभी हम लोग ने ढूंढे थे, 9 और 5 को माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलता है, 4। तो इस 4 की जगह पर हमको लिखना है 9 माइनस 5। 9 × 5 45 होता है और 9 − 5 करने से 4 आता है, तो इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 की जगह पर 9 − 5 और ये x ऐसे बाहर ब्रैकेट के, और ये −45। और जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे, x² + 9x − 5x − 45, और फिर दो दो में कॉमन लेते हैं, 4 टर्म है ना टोटल, तो इन दो में अलग कॉमन, इन दो में अलग कॉमन, इन दो में कॉमन लेने पर x कॉमन लोगे, देखो आप x दोनों में है, यहाँ से x² है, x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x, और यहाँ से +9, इन दोनों में आप कॉमन लोगे तो −5 इस बार कॉमन है, −5 कॉमन लेने पर यहाँ से x, और देखिए माइनस जब आपने कॉमन लिया है, इस −5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये माइनस का टर्म प्लस हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करने पर 9 = 5, 9 = 45, यानी x +9 मिलेगा। अक्सर यहाँ पर गलती होती है, ध्यान रखिएगा जब भी माइनस कॉमन लिया है तो इस वाले टर्म का साइन ज़रूर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो गया। देखिए आप दोनों टर्म्स में आप देखिए x +9 इस बार दिख रहा है, तो x +9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x बचता है और यहाँ से −5 बचता है, और ये इस तरह से फैक्टराइज हो गया। अब अगर आप चाहें आंसर चेक करना तो इन दोनों को साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे पिछले वाले में किया था, और आप देखेंगे कि यही आपको मिलेगा पॉलीनोमियल जो ऊपर दिया हुआ है। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के लिए दूसरा एग्जांपल, एक और क्वेश्चन। अब एक और देखते हैं तीसरा, x² मिलते जुलते क्वेश्चन से सिलेक्ट किए हैं जिससे कि आपको समझाना आसान हो जाए। तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है ये, x² − 4x − 45। अब देखिए क्या फ़र्क है इसमें, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था और इस बार यहाँ पर माइनस है, बाकी सब बिल्कुल सेम है, तो हमको इस माइनस से नहीं मतलब होता है, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये जो माइनस था ना ये ध्यान रखना होता है, यहाँ पर भी −45 था, इसमें भी −45, तो ये पक्का है कि इसमें भी सब्ट्रैक्ट करके ही मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाएगा। हमको इस 4 को 9 − 5 ही लिखना है जैसा हमने पिछली बार लिखा था, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर प्लस था ब्रैकेट के बाहर और इस बार माइनस होगा। अब देखिए x² और इस 4 को हमने लिखा 9 − 5 और ये 45, और इस ब्रैकेट को ओपन करिए, −9x और ये माइनस, और ये देखिए माइनस जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +5x −45। अब आप देखिए −9x और +5x एक्चुअली क्या होता है, −4x होता है ना, तो ये −4x की जगह पर ही आया है। अगर आप चाहें जब ये प्रैक्टिस हो जाए आपकी, शुरुआत के क्वेश्चंस थे इसलिए ये वाला स्टेप हमने ज़रूर यहाँ पर लिखा हुआ है, बाद में आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये स्टेप डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, −9x + 5x, ये अंडरस्टूड है कि इससे −4x मिलता है, इस तरह से स्प्लिट हो गया। तो अब आप कॉमन लेंगे x इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से −9, और इस बार देखिए +5 ही कॉमन मिलेगा आपको, तो +5 यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से x, और यहाँ से 5 कॉमन लेने पर 5 − 9 = 45, −9। अब दोनों से क्या कॉमन है, x −9 और ये x +5, इस तरह से ये स्प्लिट हो गया है। और भी एग्जांपल्स हैं इसी तरह के, एक और एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता एग्जांपल ही है, और उसमें है −14x + 45। अब इस बार क्या डिफरेंस है, देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर +45 था, इसमें भी देखिए +45 है, बट इसमें बीच में यहाँ +14x था, यहाँ पर −14x, बस इतना सा फर्क है, और इतने फर्क से देखिएगा क्या फर्क पड़ता है पूरे क्वेश्चन पर। तो फैक्टराइज तो आपको वैसे ही करना है, 45 के फैक्टर्स 9 और 5, 9 + 5 होता है 14, यहाँ पर क्योंकि प्लस है ना, जब बस ये ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस करके ब्रेक करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके करेंगे, ये रूल तब अप्लाई होगा जब ये वाले स्टेप्स आप लिख रहे हो, सेकंड वाले स्टेप्स लिख रहे हो तब, ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो फिर ये रूल नहीं है, फिर आपको कॉमन सेंस लगा कर वहाँ पर समझना होगा, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर 9 और 5 को ऐड करके 14 आता है, वैसे ही लिखेंगे x² और इसको लिखेंगे 9 + 5 और ये x और ये 45, ब्रैकेट ओपन करेंगे, −9x, देखिए माइनस ये है और 9 और ये x, −9x, और इस माइनस से भी माइनस ही होगा, −5x,
इस स्टेप पर आने के बाद एक बार आप बैक करके देख लिया करिए, चेक करके देख लिया करिए, माइनस 9x एंड माइनस 5x दोनों से मिलकर क्या मिलता है, माइनस 14x। तो ये बिल्कुल सही किया हम लोगों ने। और यहाँ पर फिर आप कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेने पर x माइनस 9 और इन दोनों से कॉमन लेने पर यहाँ देखिए माइनस 5 पहले दिख रहा है ना, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और ये प्लस था माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया है, 5 9 45। और आप x माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x और यहाँ से माइनस 5 मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है। तो ये चार क्वेश्चन थे, बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चंस थे, और ये इसीलिए लिए हैं क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा। तो आपको बता देते हैं कि ये स्प्लिट करते समय सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें आपको क्या मिल रहा है प्लस या माइनस, ये आपको चेक करना होता है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर भी जैसे माइनस एक्स स्क्वायर से शुरुआत हो सकती है, तो उस माइनस और यहाँ वाले नंबर को मल्टीप्लाई यानी कि आपको माइनस 45 समझ कर करना होगा, जो कि अभी नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं आपको। देखिएगा, ये फिफ्थ क्वेश्चन एक सेलेक्ट किया है अभी, तो खैर हाँ ये ठीक है, 4x² प्लस 16x प्लस 15, ये क्वेश्चन। इसमें बस अलग बात क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशेंट भी है 4, जैसे कि जब भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशेंट हो जैसे कि 4 है, इवन वो माइनस ही क्यों ना हो, जैसा अभी हम यहाँ पर कह रहे थे कि माइनस होता तो उसको हम इधर वाले कांस्टेंट नंबर के साथ में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 15 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 15 × 4 = 60। कैसा 60 मिला, प्लस या माइनस, प्लस 60 हमको मिल रहा है। तो प्लस 60 जो मिला है उसके हम फैक्टर्स करके इसको ब्रेक करेंगे बीच वाले टर्म को। अभी तक हम लोग सिर्फ यहाँ के नंबर के ही फैक्टर करते थे बाकी क्वेश्चंस में आपने देखा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 अगर साथ में या जो भी नंबर साथ में है उसको हम इधर मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, 60 जो मिलता है ना उसके फैक्टर्स करेंगे। अब 60 के फैक्टर्स आप सोचिए कि क्या हो सकते हैं जिससे ऐड करने से हमको 16 मिल जाए। अब 60 के फैक्टर्स आपको इस तरह के सोचने होंगे कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि यहाँ पर हमको ऐड करके 16 मिले। तो 6 × 10 आप जानते हैं 60 होता है, 6 और 10 को मल्टीप्लाई करने से आता है। अब इस तरह फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको दो ग्रुप मिलेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर 60 लिखा, अगर आपको ओरल नहीं याद आ रहा है, मन में नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि ये फैक्टर्स कर लोगे इस तरह, ये देखो 15 और ये 3 × 5 = 15, 5 × 5। अब इसमें से आपको दो ग्रुप्स मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ज़रूर 60 आ रहा होगा। तो देखिए ज़रा, ये एक 5 और ये 2 और ये 3 और ये 2, 5 और 2 से 10 मिला और ये 3 और 2 से 6 मिला। अब आप जानते हैं 10 और 6 को ऐड करने से क्या मिलता है, 16, जो कि यहाँ देखिए है यहाँ, और 10 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 60 आता है, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया था। तो जब भी यहाँ कोफिशेंट हो तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और उस नंबर के फैक्टर्स में से ढूंढिए कि किसका सम यहाँ का नंबर है। तो इस बार हमको मिला 6 और 10, यही आपको दिमाग यहाँ पर लगाना है कि क्या नंबर्स होंगे ये। तो हम इसको लिख लेते हैं, इस 16 को 10 + 6 और फिर ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 10x + 6x + 15। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों दो टर्म्स में कॉमन क्या, जैसे पहले करते थे वैसे, 2x इन दोनों में से कॉमन है, 2x कॉमन लीजिए तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से 2 कॉमन लेने पर डिवाइड करने पर, एक्चुअली कॉमन लेने का मतलब होता है हर टर्म को डिवाइड करिए, 2x जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x किया और इस 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5। इसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x तो है नहीं दोनों में, इन दोनों में सिर्फ 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 × 2 = 2x और ये 3 × 5 = 15 ये मिलेगा। अब आप देखिए दोनों में अब क्या कॉमन है, 2x + 5 दोनों में दिख रहा है, तो 2x + 5 कॉमन ले लेंगे और 2x + 5 कॉमन लेने पर यहाँ से 2x और यहाँ से 3 मिलेगा। तो ये इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की हेल्प से ये भी फैक्टराइज हो गया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपने सही किया या नहीं, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखेंगे आप यही आपको फाइनली मिलेगा। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, और इस वीडियो में हम लोग यही 5 क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बुक के जो 4th क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.4 में जो है वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे।